हेलो देयर फ्रेंड्स, ये है एपिसोड 3 ऑफ लेट्स टॉक वेस्ट मैनेजमेंट। और इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं श्री विनोद सामरी जी और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। तो आइए हम चलते हैं उनके घर और बात करते हैं हल्द्वानी, जो एक उत्तराखंड का टाउन है, उसके वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। समय प्लांट्स के साथ था। न्यूयॉर्क सिटी के कंपेयर तो कर नहीं सकते हल्द्वानी को। मतलब पहले जो था, पहले के कंपेयर में बात करें तब हल्द्वानी फिर भी प्रोग्रेस हो गया थोड़ा। जो पहले की सिचुएशन थी, लोगों को अब कूड़ों में, मतलब अब लोगों को कूड़ा डालने की जैसे ये रिसाइकल बिन में डाला है, वैसे जगह मिल गई है। पहले जगह नहीं मिलती थी। अच्छा, तो हमें गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उसमें हमें कूड़ा अलग अलग करके डालना होता है। ओके, जैसे गीला कूड़ा एक में और सूखा कूड़ा एक में। ओके, उसके लिए उन्होंने हमें डस्टबिन भी प्रोवाइड कर रखे हैं और वो डस्टबिन यूज नहीं करते हैं ना। तो वो क्या अलग अलग उनके सेग्रीगेटेड होते हैं सेक्शंस गाड़ी में? होते तो हैं, वेट एंड ड्राई। तो क्या वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए कि आप अलग अलग करें? हाँ, अनाउंसमेंट भी होता है, गाने भी गाते हैं। क्यों लग रहा है कि सेग्रीगेट करना चाहिए? जरूरी है, अगर वो जो हम बेस दे रहे हैं अगर वो किसी के यूज में आ रहा है तो फिर कैसे आएगा? अगर हम कंपोस्ट भी कहीं मार्केट से खरीदते हैं तो उससे उसी वेस्ट से तो वो कंपोस्ट जनरेट करी होगी। कर रहे और कर आ सकता है वो। प्राइवेट स्टार्टअप से वो कर रहे हैं या म्युनिसिपल? प्राइवेट स्टार्टअप एजेंसी सेग्रीगेशन भी कर नहीं पा रहे। आपके हिसाब से क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेग्रीगेट करने में? प्रैक्टिकली ये है कि अगर हम सेग्रीगेट उसको करते भी हैं तो द म्युनिसिपैलिटी गाड़ी इज नॉट सेग्रीगेटिंग दैट, दे डंपिंग, मतलब सब घरों का कूड़ा जो है अभी ये प्रैक्टिस में आया ही नहीं है। तो म्युनिसिपल व्हीकल भी आता है, उसमें सेग्रीगेशन का प्रोविजन भी है और अवेयरनेस के लिए मैसेज भी वो रोजाना देता है, पर फिर भी पब्लिक ने अभी तक सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया है। हम कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि गीला जो है कचरा उसको जो है रिसाइकिल कर लें। लेकिन यह मतलब करते रहना है हमें और उसके बारे में जो है हमेशा ही सोचना है और करना डेली है उसको। सो इट्स अ डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अस। तो क्या वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो पाए? अनफॉर्चुनेटली नॉट अभी तक, क्योंकि डिस्पाइट कंसेप्चुअल अग्रीमेंट अमंग फैमिली मेंबर्स, कुछ सैनिटेशन इश्यूज की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट डिसकंटिन्यू करना पड़ा, पर अभी वो हिम्मत हारे नहीं है। दूसरी बात, प्लास्टिक की बात करें तो अभी हल्द्वानी में व्हाट डू यू थिंक यूसेज लेवल प्लास्टिक का हाई है, मीडियम है या लो है? ओ आई सी। आपको ये पता है कि बहुत सारे प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं होते हैं। और जो सिर्फ मैंने वीडियोस में देखा है कि जो सिर्फ कहाँ जाते हैं समुद्र में, तो मेरे ख्याल से अभी इवोल्यूशन सा चल रहा है कि लोग कोशिश कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव के लिए। वो अपने घर से बैग्स लेके जाते हैं, मैंने बहुत देखा है। मेरे फादर लोग मुझे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि बैग लेके जाएगा, ये उसमें सामान लेके आया है। हाँ हाँ, अपना हमेशा अपना कैरी बैग रखना चाहिए। आप चाहे गाड़ी में जा रहे हो, स्कूटी में जा रहे हो, करें तो। और प्लस अगर आप मार्केट जा रहे हो तो अगर पॉलिथीन में सामान लेके आओगे तो हाथ में भी बहुत दर्द होता है। अल्टीमेटली आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है एक बैग, तो ये रीज़न भी है बैग को कैरी करने का आपके साथ। राइट, और लोग मैंने देखा है कि सोचते हैं इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते, हम कभी भी ट्रैवल करते हैं कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते। अच्छा, जो एक जनरल लिटरिंग वाला अपनी गाड़ी में रखते हैं। और अगर समुद्र में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एनी गैस ओपन डैम्स कहीं जमीन में, अगर वहाँ भी नहीं मिले तो कहाँ, व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ होगा? एक तो नेहा, क्या आपको मालूम है कि वो प्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर भी आ रहा होगा? तो ये जानते हुए क्या अब हम बेटर यूज ऑफ प्लास्टिक करने की सोचेंगे? वो ये था कि मैं जब उनको बाहर छोड़ता था तो उसमें जो है कुत्ते जो है सियार
उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक वो बनाना पड़ेगा, तरीका से केज बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो माना कि वेस्ट सेग्रीगेशन और होम कंपोस्टिंग सरल नहीं है, पर जहां चाह है, समझ है और बातचीत है, वहां राह तो मिलेगी ही। थैंक यू वेरी मच टू द सांगरी फैमिली फॉर कीपिंग द कन्वर्सेशन गोइंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें एनकरेज करेंगे। एंड लाइक आई ऑलवेज से, कीप गोइंग ग्रीन टू गेटिंग ग्रीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।